दोस्तों आईपीएल 2021 पोस्टपोन होने के तुरंत बाद बीसीसीआई इसको रीशेड्यूल करने की तैयारी करने में लग चुकी है और फाइनली आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज की स्टार्टिंग डेट्स को लेकर काफी बड़ी एक अपडेट बीसीसीआई से मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल फैंस के लिए गुड न्यूज। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने आज यानी कि 23 मई को ऑफिशियली आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज की वेन्यूज और रीस्टार्टिंग डेट्स घोषित कर चुका है। तो मैं इस वीडियो में इस अपडेट्स के बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि कब से आईपीएल 2021 की मैचेस दोबारा से स्टार्ट होने वाली है और कहां यह मैचेस खेली जाएगी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी एक लाइक के साथ अंत तक जरूर देखिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज में हम लोगों को टोटल 31 मैचेस देखने को मिलेगा और इन मैचेस की वेन्यूज को लेकर बीसीसीआई लगातार काफी सारे देशों के साथ बातचीत कर रही थी और फाइनली बीसीसीआई की एक अधिकारी ने बता चुके हैं आईपीएल 2021 अब हम लोगों को यूएई में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिन पहले बीसीसीआई ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट की थी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की डेट्स को रीशेड्यूल करने के लिए और 5 मैचों के बदले 4 मैच खेलने के लिए ऑफर दी थी, लेकिन ईसीबी ने डेट चेंज या मैच कम करने के लिए साफ तौर पर मना कर देने के बाद बीसीसीआई फाइनली आईपीएल 2021 की कन्फर्म विंडो घोषित कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज 15 सितंबर से फिर से शुरू होने वाली है और 15 अक्टूबर से पहले खत्म हो जाएगी, यानी कि टोटल 30 दिन में 31 मैचेस खत्म करना पड़ेगा। तो यूएई में गर्मी के कारण दोपहर में ज्यादा मैचेस खेल पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी बीसीसीआई को किसी भी तरह ज्यादा डबल हेडर मैचेस सेट करना पड़ेगा वरना 30 दिन में 31 मैचेस खत्म करना नामुमकिन बन जाएगा। तो बहुत ही चांसेस है हम लोगों को 8 डबल हेडर मैचेस देखने को मिलेगा। दोस्तों 15 अक्टूबर के बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाली है, तो बीसीसीआई ने बता चुकी है आईपीएल के कारण T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स को कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दूं आईपीएल 2021 रीस्टार्ट होने वाला है, यानी कि केकेआर और आरसीबी टीम के बीच मैच से दोबारा से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। तो 15 सितंबर हम लोगों को आरसीबी और केकेआर की टीम यूएई में आमने सामने होते दिखाई देने वाली है। दोस्तों भारत की टीम अगस्त के महीने में इंग्लैंड टीम के साथ 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाली है और सेकेंड टेस्ट मैच के बाद थर्ड टेस्ट मैच शुरू होने में 9 दिनों का गैप है। तो बीसीसीआई ईसीबी के साथ इस गैप को कम करने के लिए बातचीत कर रही है ताकि प्लेयर्स को यूएई पहुंचने में थोड़ा टाइम मिले। तो दोस्तों ये बात कंफर्म हो चुकी है कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हम लोगों को आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज देखने को मिलेगा और भारत नहीं बल्कि यूएई में खेला जाएगा। अब 29 मई को बीसीसीआई के मीटिंग के बाद शेड्यूल को लेकर और भी काफी बड़े बड़े अपडेट्स मिलने वाला है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी अपडेट सब मिस ना कर जाए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।